आने वाला मोटर पंप चोरी के साथ दो व्यक्ति को सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। कचरा गांव में एक घर से 80,000 रुपए नगद एवं चांदी के जेवरातों की हुई चोरी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक के लिए 31 मई तक ही विलंब शुल्क के साथ लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन। गर्मी व लू से बचाव को लेकर अधिकारियों को जिलाधिकारी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग की NSS इकाई के द्वारा योग स्वास्थ्य व स्वच्छता विषय पर विशेष शिविर का किया गया आयोजन। पानी वाला मोटर पंप चोरी के साथ दो व्यक्ति को सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुवार को सदर थाना पुलिस ने पानी वाले मोटर पंप के साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी सदर थाना क्षेत्र से की गई है, जहां एक व्यक्ति का नाम हरि ओम यादव, पिता का नाम सियाराम यादव है जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंवरिया का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति भी सदर थाना क्षेत्र के कंवरिया का रहने वाला है जिसका नाम अमरनाथ यादव, पिता का नाम रामप्रीत यादव है। इन दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आज क्रमशः ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर, सिमरी थाना, बिरौल थाना, बहेरी थाना, अशोक पेपर मिल थाना, वाजिदपुर थाना, सकतपुर थाना, बहेरा थाना, सोशल मीडिया सेल, कुल 13 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया। गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने चोरी के मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक का नाम चंदन कुमार यादव है, जिसके पिता का नाम कामेश्वर यादव है, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत हरलाखी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के सूट गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक के पास से ब्लू ब्लैक रंग का एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया, जिसका नंबर BR07EA3416 है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार युवक को कागजी कार्रवाई करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज क्रमशः सिमरी थाना, केवटी थाना, अशोक पेपर मिल थाना, लहरियासराय थाना, कोतावली थाना, बहादुरपुर थाना, जाले थाना, कमतौल थाना, मोड़ी थाना, बिशनपुर थाना, विश्वविद्यालय थाना, कुल 17 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित भी किया गया। मधुबनी स्थानीय थाना के कचरा गांव में मोहम्मद इजराइल के घर में बीते बुधवार की रात एक घर में नगद एवं जेवरात समेत लाखों रुपए मूल्य की चोरी होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने मोहम्मद इजराइल के घर में घुसकर टीन की पेटी में रखे 80,000 रुपए नगद एवं चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए की चोरी कर ली है।
इस संबंध में प्रीत मोहम्मद इजराइल की पत्नी चांद बानो ने गुरुवार की सुबह बताया कि उमस भरी गर्मी के कारण वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ मकान के छत पर सोई हुई थी, जहां अज्ञात चोरों ने दीवार फांदकर घर के आंगन में प्रवेश कर गया और फिर एक कमरे में घुसकर उसमें रखे टीन की पेटी को खोलकर उसमें से नगद रुपए एवं करीब 80 ग्राम वजन के चांदी के जेवरातों की चोरी कर लिया। प्रीता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन के लिए बेनीपट्टी थाना में आवेदन देने की बात भी कही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए आवेदन की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई निर्धारित थी एवं 30 और 31 मई को विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आपको बता दें कि बिना विलंब शुल्क के आवेदन की समय सीमा 29 मई को समाप्त हो गई। इस दौरान लगभग 160,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया। हालांकि आवेदन के लिए पंजीयन करने वालों की संख्या 194,775 रही है, जिनमें से 161,997 ने आवेदन भी भरा है, लेकिन शुल्क जमा कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में 160,122 सफल रहे हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मई जून महीने में घटित होने वाले अग्निकांड आपदा व भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने हेतु जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर सहायता यथा पॉलिथीन सीट, नगद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्तन के अनुदान उपलब्ध कराएंगे। नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम को शहरी क्षेत्र तथा नगर पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर प्याव की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार चापाकलों की मरम्मति, नगर क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेयजल तथा स्लम निवासियों हेतु आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था के साथ ही गर्म हवाओं एवं लू से बचाव तथा अग्निकांड की घटना के निदान हेतु आम जनता के बीच प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया। अत्यधिक गर्मी और लू से बचने के लिए सभी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक कार्य को बंद किया गया है। वहीं लू हीट वेव के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था, आइसोलेशन, एसी वार्ड, ओआरएस पैकेट एवं जीवन रक्षक दवाएं चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाने का भी निर्देश जारी किया। संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग की एनएसएस इकाई के द्वारा योग, स्वास्थ्य व स्वच्छता विषय पर विशेष शिविर का किया गया आयोजन। गुरुवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय भवन में शिक्षा शास्त्र विभाग की एनएसएस इकाई के द्वारा योग, स्वास्थ्य व स्वच्छता विषय पर आयोजित विशेष शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि यूं तो सभी भाषाएं अच्छी होती है, लेकिन संस्कृत उसमें से कई मामलों में अलग है। इस भाषा के छात्र अध्यात्म व धर्म के ज़्यादा करीब रहते हैं। ये संस्कार व संस्कृति के वाहक होते हैं। सामाजिक सरोकार से इसका सीधा जुड़ाव रहता है। आचार विचार व नीति सिद्धांत के ये पोषक होते हैं। इनकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। शायद यही कारण है कि संस्कृत के छात्र कभी आतंकवादी नहीं बनते हैं और यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा कुलपति ने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, डीन, विभागाध्यक्ष के साथ ही कई विभाग के छात्र छात्राएं भी